सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी मेहरा ब्लॉग में। कैसे हो गए? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, हम भी एकदम ठीक हैं। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा मायके से। मेरा मायका पड़ता है खालागर में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। और अभी मैं जा रही हूँ अपने ननिहाल। मायके आए हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने ब्लॉग तो कोई नहीं बनाया यहाँ पर आके, लेकिन आज नैनीहाल जा रही थी तो इसलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर दी। लगभग टाइम अभी 5 बज रहा होगा, बारिश का मौसम हो रहा है हल्का दुल्का। वो सामने में हमारा घर दिख रहा है यहाँ से, ये देखो इतना बड़ा थैला लेके जा रहे हैं हम। और दीदी और मैं जा रहे हैं, इसने अपना वो कंधे में उठा रखा है, ये देखो ऐसे कुछ। पहाड़ों के बारे में बात की जाए तो पहाड़ में ना आजकल कोई रह नहीं रहा है। देखो पूरी झाड़ियाँ जम गई, रास्ते तक पूरी झाड़ियाँ आ गई हैं। पूरा प्लान हो रहा है उत्तराखंड में, आने वाला टाइम ऐसा आएगा कि सब लोग फिर से दोबारा पहाड़ लौटेंगे ज़रूर। हमारा नैनीहाल गांव में ही है, थोड़ा सा आगे है, ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक में ही है। और अभी जा रहे हैं नैनीहाल, ये है हमारा नैनीहाल का रास्ता, जा रही है यहाँ गोभी। पता नहीं कौन है लोग, हम नहीं जानते हैं। मेरे दीदी लोग हैं, भाना दीदी है वो। अच्छा हाँ, इसकी दीदी लोग हैं मल, मेरे को पता नहीं है, इससे पूछ लो। नीचे देखो कैसे घर से माकोट को जाने का रास्ता कुछ ऐसा है, खड़ंजे वाला रास्ता यानी कि। और यहाँ से हम सीधे जाएंगे, देखो कितना हरा भरा हो रहा है। आज का व्यू की बात की जाए तो व्यू काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है चमकता हुआ। और इधर है हमारा पानी का धारा, वो आपको दिखाएंगे हम, चलो आप लोग भी देख लो। और यहाँ पर बहुत पानी आता है, अभी गर्मी का सीज़न है ना, फिर भी देखो इतना पानी आ रहा है। ये आ रखी है हमारी बहनी यहाँ कपड़े धोने, दिखाती हूँ आपको अपना नौला, ये देखो ये है हमारा नौला, ये कभी नहीं सूखता है। इसमें लगा रखा है डाट पानी को रोकने के लिए, पानी पी लेते हैं। और चलो चलते हैं, ये देखो बच्चे यहाँ कपड़े धो रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं कि दीदी क्या। और सामने नीचे से पेड़ है आड़ू का, उसमें छोटे छोटे आड़ू हो रहे हैं अभी। एक रास्ता यहाँ से भी गया है, ये जाता है गांव की साइड को। और हमारे रास्ते के ऊपर आपको मकान दिख रहा है हल्का हल्का पीला, ये है हमारा हॉस्पिटल। अगर हल्का फुल्का कुछ भी हमें प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर आके हम दिखा सकते हैं। गांव की हालत कुछ ऐसी हो रही, पहले इतना चौड़ा रास्ता हुआ करता था, अभी के टाइम में एक आदमी जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। ये देखो ऐसे प्लान हो जा रहा है, आखिर ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। ये देखो ये देखो ये घर भी पूरा बंजर पड़ गया है, यहाँ कोई नहीं रहता है, ये देखो। और हमारे घर से सामने देखो कितना प्यारा व्यू दिख, इधर साइड को फिर भी थोड़ा साफ साफ दिख रहा है, लेकिन उधर को तो बिल्कुल झाड़ियाँ हो गई हैं। और इधर साइड कुछ ऐसा है काफ़ी अच्छा, सामने में अखरोट का पेड़। फाइनली हम पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा और है लेकिन सांस लूँगे। देखो पूरे बांस के पेड़ हैं चारों ओर से, काफ़ी ठंडी हवा आ रही है। वाह काफल का पेड़, काफल भी लगे हैं। फिलहाल पहुँच गए हैं, भाभी हमारी वो जा रही हैं खेत में, हम आए हैं घर में, ये जा रहे हैं खेत में। ये देखो पूरे आलू के पेड़ लगा रखे हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और ये ग्रीन कपड़ा क्यों लगा रखा है यार, ये है यहाँ इनके गाय और भैंस दादा के, ये है बकरी, ये एक बकरी वहाँ है। और दिखाते हैं इनका गौशाला, ये देखो काफ़ी अच्छा बना रखा है, देखो मस्त घास खाने के लिए भी कितना प्यारा बना रखा है। और यहाँ छाया है पूरी, बढ़िया बना रखा है ना ये भाभी ने। देखो इधर पेड़ है सारे, पूरा चारों तरफ से काफ़ी अच्छे पेड़ है पूरे बांस के। ये देखो ये है पुराना घर, ये है पुराना घर और वो है न्यू वाला घर। पुराना घर दिखाते हैं पहले, और यहाँ पर लगा रखी है मक्का, ये देखो इसमें बाल भी आ गए। ये देखो ककड़ियाँ जम गई हैं यहाँ। और ये है भाभी लोगों का पहला वाला गोट,
पुराने घर था जब मेरे आमा बुबू रहते थे, ये तब का घर है। आमा बुबू लोग इसी घर में रहे और अभी के टाइम में मेरे आमा बुबू नहीं हैं और इसी वजह से भैया भाभी यहाँ रहते हैं और मेरे मामा भी नहीं हैं, तो सके मामा नहीं हैं तो फिर मैंने ताई के बच्चों को दे रखा है मेरे आमा बुबू ने, इसी वजह से वो लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये देखो ये है पुराने टाइम का घर, काफ़ी अच्छा है, मजबूत घर है और इसके अंदर ना ठंडी के दिनों में गर्म होता है और गर्म के दिनों में काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। ये देखो ये है घर, अंदर से बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पर गुलाब के फूल भी लगा रखे हैं और अब दिखाते हैं आपको नया वाला घर। ये है नया वाला घर, सामने में पहाड़ में कुछ ऐसे घर होते हैं, पहाड़ों की ज़िंदगी सबसे अच्छी होती है, शहरों में तो आजकल गर्मियों में रहने लायक नहीं होता है। और ये देखो ये है आंगन जिसको बोलते हैं खाओ हमारे वहाँ, और ये है घर और ऐसे पन्नी लगा रखी है नीचे से देखो बरसात की वजह से। सामने में ऐसे कुछ पेड़ हैं, सारे पेड़ ही पेड़ हैं, फल फूल के पेड़ हैं और अभी के टाइम में देखो नींबू हो रखे हैं। और इधर ये लोग बैठे हुए हैं, यहाँ का काफ़ी सुंदर दृश्य दिख रहा है आपको। ये देखो चारों तरफ से, अभी मौसम शाम का है तो थोड़ा बारिश वाला मौसम हो रहा है इसी वजह से, नहीं तो यहाँ से ना पूरा हिमालय भी दिखाई देता है। और चारों तरफ से देखो पूरे खेत ही खेत है, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो देखो खेत में से वापस पहाड़ी आ गई है बारिश, हम हैं बहुत ज़्यादा शकुनी, अब शकुनी देखो गए पहाड़ों की महिलाओं का जोर, बारिश के तड़के में लगी दौड़, लगाई दौड़। ये देखो गई भाभी, यहाँ ना बहुत तेज बारिश लग गई, देखो खतरनाक वाली। गाइस हम आए थे ननिहाल और यहाँ लग गई है बारिश, अब हम पहाड़ में लग गई है काफ़ी ज़्यादा बारिश और झमझम वाली। और भाभी गई है गाय बच्चियाँ को बांधने के लिए गोठ में, और ये देखो यहाँ पे बारिश हो रही है। यहाँ ना पहाड़ों में चाहे बारिश हो कुछ हो, काम ही काम होता है, काम करते रहो। देखो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे खेत हैं यहाँ पे, ये देखो कितने प्यारे प्यारे हैं।